योजना की किस्त जारी करेंगे पीएम। पीएम मोदी की रैली में 50,000 लाभार्थी किसान मौजूद रहेंगे। अलग अलग लाइव लोकेशंस में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। यो आपके लिए बड़ा अपडेट, आज के दिन ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। कैसे मिलेगा, किन किन किसान भाइयों को मिलेगा और यहाँ पर किसानों को गिफ्ट भी मिलेगा, वो भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, किसान भाइयों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट को लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव चल रहा है, सारा कुछ आपके सामने है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे करोड़ों किसान भाई उनका जो है वो भी आप देख रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके काफी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर दे दिए गए हैं और साथ में ही हम आपको यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो कारण है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, वो भी सीधे लाइव हम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और सारा कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है वो किस दिन आपको मिलेगी और कितने किसान भाइयों के बैंक खाते में यहां पर। के लिए बहुत बड़ा अपडेट है, अनुमान है कि 13,000 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जो है वो 2,000 रुपए या 4,000 रुपए की रकम जो है वो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाली है। यहां पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है हर साल जो है वो किसानों को 6,000 रुपए की जो राशि है वो सीधे बैंक ट्रांसफर में मिलती है, यानी जो आपको ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे ही अब की बार जो है यहां से यानी 2024 की बात करें और 23 तो आपका एंड होने वाला है, तो 24 तक जो है किसानों के बैंक खाते में एक साथ 4,000 रुपए आने की संभावना है। यहां पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वैसे तो बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, सरकार ने और भी फैसला यहां पे ले लिया है और बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की जो चल रही है उसमें भी किसानों को काफी सारा बेनिफिट हो रहा है और उनके बैंक खाते में भी पैसा आ रहा है। किसी भी योजना को लेके भी आप देख सकते हैं, सभी योजनाओं में किसानों को एक एक साथ जिन जिन का पैसा रुका हुआ है तो वो सारी किस्त का पैसा एक एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर सीधे किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें करोड़ों किसान भाई आज भी इंतजार कर रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब रिलीज होगा, या 2,000 मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे। तो हम आपको पहले इस पे चर्चा कर देते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस दिन जारी होगी। तो हम आपको यहाँ पे बता दें किसान भाइयों, कुछ स्टेट हैं मतलब होंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप बाय स्टेट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। तो इन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है और यहाँ पे हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की आधार शीडिंग पेंडिंग में थी तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लें, अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे और इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहां पर बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी बड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं जिससे किसानों को काफी सारा बेनिफिट होने वाला है और जिससे किसानों को अब की बार जो है 2,000 रुपए मिलते थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो यहां पर एक वीडियो में श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान योजना किसान सम्मान योजना किसान भाई बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके करोड़ों किसान भाई 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 28 फरवरी 2024 को जो है यहाँ पर 16वीं किस्त जारी कर दी गई थी, तो अब यहाँ पर है 18वीं यानी 17वीं किस्त का इंतजार। तो ये इंतजार अब आपका खत्म हुआ क्योंकि ये पैसा आपको बैंक खाते में कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं इंस्टॉलमेंट में लगभग 9 करोड़ किसान भाइयों को जो है वो यहाँ पर पैसा मिल चुका है। तो यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार अब आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पर आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर साफ साफ लिख के दे दिया गया है, हम ये भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे और ये पैसा किन किन किसान भाइयों को मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। किसान भाइयों बहुत बड़ा अपडेट जो है वो निकल कर यहाँ पर आ गया है।
करोड़ों किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है कि ये पैसा कब आएगा, और काफी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी यहां पर एक साथ सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा भी दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जिन किसान भाइयों को पहले पैसा नहीं मिला था तो उनको भी यहां पर पैसा दे दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं काफी बड़ा बड़ा अपडेट भी दे दिया गया है। आप यहां पर जो मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी अगर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा, और आपकी अगर ई केवाईसी कंप्लीट है तो आपको यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आपको तीन चीजें अनिवार्य है। नंबर एक पे जो आता है आपकी आधार शेडिंग होनी चाहिए, लैंड शेडिंग होनी चाहिए, और केवाईसी होनी चाहिए, और एफपीओ जो है वो यस होना चाहिए, तभी आपको यहां पर पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको यहां पर पैसा नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पीएम किसान योजना के अंतर्गत पंजीकरण किसानों को ई केवाईसी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो योजना है जो शुरुआत की गई है यहां पर किसानों को काफी लाभ दिया जा रहा है, और 17वीं इंस्टॉलमेंट के साथ यहाँ पर किसानों को पैसा भी मिलेगा और पास आपको मिल सकता है, और ये बड़ा तोहफा होगा जो कि किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपको ट्विटर अकाउंट यानी जो पीएम मोदी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर भी जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि ये पैसा आपको कब तक रिसीव होगा और कितने रुपए का होने वाला है। वैसे तो हम आपको बता दें काफी सारी राज्य सरकारें जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 4,000 रुपए दे रही है, यानी 2,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं और 2,000 रुपए राज्य सरकार आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस अकाउंट पे ही आपको आ जाना है और यहां पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट यहां पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों के लिए जो है वो पैसा यहां पर मिल चुका है। 11 करोड़ से विश्वास के साथ सबसे बड़ी योजना जो है वो डीबीडी की योजना के माध्यम से जो किसानों को सालाना 6,000 रुपए जो मिलते हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत ये सबसे बड़ी बेनिफिट डीबीडी योजना है जिसके तहत किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिलता है और किसानों को जो है वो पैसा यहाँ पर दिया जाता है। सबसे बड़ी विश्वास यानी हर महीने यानी हर 3 महीने के बाद एक किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंच जाती है और जिससे किसान इसे काफी सारा उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये पैसा आपको डीबीडी के माध्यम से मिलता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है आपके बैंक खाते में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत डॉक्यूमेंट बेनिफिटरी जो है डायरेक्ट बेनिफिटरी ट्रांसफर जो है वो पैसा के माध्यम से आपको यहाँ पर दिया जाता है। 11 करोड़ से अधिक परिवारों को अभी तक 3,00,000 करोड़ जो पैसा है उनके हस्ताक्षर हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्वास की सबसे बड़ी योजना जो है वो सम्मान निधि योजना है और जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और काफी सारी सरकारें किसानों को यहाँ पर जो पैसा है वो 4,000 रुपए भी देते हैं, यानी जो सरकार है उनको 2,000 रुपए जो है सरकार देती है और 2,000 रुपए राज्य सरकार यहाँ पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 3 करोड़ से अधिक जो है लाभ यहाँ पर मिल चुका है।